कासगंज मथुरा बरेली हाईवे पर अचानक रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटने से बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं टैंकर पलटने की खबर लगते ही स्थानीय लोगों ने बाल्टी व डिब्बे में तेल को पुलिस के सामने भरते नजर आए। आपको बता दें कि पूरा मामला गुजरात से चलकर उत्तराखंड के किच्छा जा रहा रिफाइंड से भरा टैंकर जैसे ही सोरो कोतवाली क्षेत्र के बरा भगवान की मूर्ति के निकट पहुंचा तो अचानक टैंकर चालक तिरछा मोड़ होने के चलते टैंकर की गति को कम नहीं कर सका, जिसके चलते टैंकर बरा भगवान की मूर्ति के निकट पलट गया। जैसे ही रिफाइंड तेल टैंकर पलटने की सूचना स्थानीय लोगों व ग्रामीणों को हुई तो वहाँ पर रिफाइंड तेल को भरने के लिए बाल्टी और डिब्बे में भरकर ले जाने की लूट मच गई। वहीं जैसे ही रिफाइंड से भरे टैंकर पलटने की सूचना सोरो पुलिस को मिली तो आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स के साथ जाकर स्थानीय लोगों व ग्रामीणों को घटनास्थल से हटाया गया। शकील खान, बात की जाए तो आपका जो टैंकर पलटा है कितने का नुकसान हुआ, कितना माल चला? माल तो देखो देख कर पता पड़ेगा, 40 टन भर रहा था इसमें, दूसरे टैंकर में पलटा होगा जब पता पड़ेगा। अगर बात की जाए तो माल की तो माल का क्या हुआ पलटने के बाद? माल तो पब्लिक ले गई लूट के। पब्लिक ने भी लूट के? कहाँ जा रहा था? किच्चा उत्तराखंड। कहाँ से आया? गुजरात। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई देखो सेठ जी आ रहे हैं वो करेंगे, उसको होगी। कहाँ का है? आगरा। कहाँ के रहने वाले हैं? आतरस। किस कंपनी का है टैंकर? टैंकर MLDC।